वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ किंजल और मेरी चैनल पे आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्लिपकार्ट के ड्रेस मटेरियल का हॉल। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने बोला था कि आप ड्रेस मटेरियल का हॉल कीजिए। इसके पहले भी मैंने 2-3 ड्रेस मटेरियल का 2 अमेजोन के भी किए हैं, आप मेरी चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। और उस पर आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, बहुत प्यार दिया है वो वाले वीडियो में, इसीलिए ये ड्रेस मटेरियल वाला जो है मैं दूसरा हॉल लेके आई हूँ। ये सारों की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत ही अच्छे हैं और आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। स्पेशली वेडिंग फेस्टिवल के लिए आप बाय कर सकते हो, वो टाइप के हैं। तो चलो अब हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी चैनल पे आपको हर टाइप्स के हॉल देखने को मिल जाएंगे, हर टाइप के मेकअप वीडियो सब कुछ देखने को मिल जाएगा, प्रोडक्ट रिव्यू भी मिल जाएगा। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड है तो मेरी चैनल को जाके चेकआउट कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो बेल आइकन होता है उसे दबा दीजिएगा, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। वैसे रोज का एक वीडियो मिनिमम मेरा आ ही जाता है, तो आपको अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती या आप न्यू है तो भी आप देख सकते हो, मॉर्निंग या नून तक आ जाता है। और दूसरी बात की बाहर बहुत बारिश हो रही है, बहुत ही बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से बिजली कड़क रही है, क्या बोलते हैं, बिजली हो रही है, तो वो उसका आवाज बैकग्राउंड नॉइज में अगर आए तो इग्नोर करना, उसके लिए सॉरी। सबसे पहला जो ड्रेस मटेरियल है वो मुझे बहुत पसंद आया था, इस तरह का है, पीची पिंक कलर का है, जैसे आप देख रहे हो वैसे ही, बहुत ही प्यारा है। मैं आपको पूरा खोल के दिखाती हूँ, इसका पिक मुझे देख के ही बहुत पसंद आ गया था और इसीलिए मैंने ले लिया, और रियल में ये बहुत अमेजिंग है। साथ में ही इसकी प्राइस भी अफोर्डेबल है गाइस, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। ये जो है वो सिल्क वाला है, हैवी मटेरियल का है और इसके अंदर आई थिंक लाइनिंग भी दी है, तो बेस्ट है, आपको अलग से लाइनिंग भी बाय नहीं करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम टॉप से इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखोगे तो इसका टॉप है पीछे पिंक कलर का, पूरा वर्क वाला है, ऊपर से नीचे तक क्लोजअप में आप देखो इस तरह के फ्लावर है, ऑरेंज पिंक कलर के, और इस तरह की एम्ब्रॉयडरी प्रिंट की गई है। ये पूरा टॉप है ऊपर से नीचे तक का, देखो नीचे इस तरह की बॉर्डर आएगी टॉप में जब आप स्टिच करवाओगे, तो ये पूरा स्टिच टाइप का ही है। आप जब टेलर मतलब कि आप जब दर्जी को बोलोगे, ये पीछे वाला भी कपड़ा आपको दिखा देती हूँ, तो सीधा स्टिच ही करवाना रहेगा आपको, जो नेक डालना है वो डाल के। ये पीछे वाला कपड़ा है और ये फ्रंट वाला है, वर्क वाला है, तो इस तरह का है टॉप जो है वो, और बहुत ही प्यारा है और इसका पिक मुझे बहुत पसंद आया था और रियल में ये इतना ही अच्छा है। उसके साथ लाइनिंग दी है, ये ऐसी है सैंटून मटेरियल बोल लो या ऐसा कुछ बोल लो, और ये आई थिंक 1 मीटर तक की होगी, 1 मीटर या 1.25 मीटर तक की है लाइनिंग, इस तरह की सेम कलर की है, पीछे पिंक कलर की इतनी है, देख लो। तो ये लाइनिंग भी उसके साथ आई है, और जो नीचे सलवार आता है उसका जो मटेरियल है वो कॉटन का है। बिजली हो रही है, कड़क रही है, गिर रही है, बहुत जोरों से आवाज आ रही है, एक्चुअली में कल से है बारिश। ये जो है वो उसके सलवार का है, ये कॉटन का है, ये आप देखो वैसे रानी पिंक कलर का है, कॉटन मटेरियल है इस तरह का, पूरा प्लेन है ये वाला और कॉटन का है, और इसका फैब्रिक की जो मतलब की चौड़ाई वगैरह बोले हम तो 2 मीटर जितना है, 2 मीटर के आसपास होगा। आपको माप नाप लेना नहीं आता तो ऐसे लेना होता है गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ। ये नोज जो हमारा होता है यहाँ रख के एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे ऐसे करके, एक हाथ ऐसे आता है और ऐसे माप नाप लेते हैं, इससे हमें पता चलता है। तो ये 2 मीटर से थोड़ा सा कम मुझे लग रहा है, कॉटन का है। अगर नाप लेना नहीं आता है टीनेजर हो, और अगर आप मार्केट में जाते हो फैब्रिक लेने, तो इस तरह भी आप नाप ले सकते हो, तो ये 2 मीटर से भी आई थिंक थोड़ा सा कम है मे बी। इसका दुपट्टा जो है वो बहुत ही प्यारा है, मुझे बहुत पसंद आया है, सारे पैसे जो है वो दुपट्टे में वसूल हो जाते हैं ऐसा बोले तो भी चलेगा। देखो यहाँ पे गोल्डन बॉर्डर लगाई गई, इसका फैब्रिक जो है सॉफ्ट वाला, अच्छी क्वालिटी वाला सीफोन का है, और अंदर देखोगे तो एम्ब्रॉयडरी है मल्टी कलर की, जैसी कि ऊपर टॉप में थी वैसी ही है। देखो पूरा जाली जाली जैसा वर्क है, ये देखो पूरा दुपट्टा, दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, बहुत ही हैवी है, और ये वाला आप ले सकते हो,
देखो मुझे बहुत पसंद आया है इसका दुपट्टा, मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है, बहुत ही प्यारा है। सारों की बाइंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप ले सकते हो। उसके बाद दूसरा मैंने ये बाय किया है, इस तरह का है, ब्लैक कलर का, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये वाला कॉटन का है और ये आप सारी सीजन में पहन सकते हो। इसका पिक बहुत प्यारा था और मैं जब बाय करने के लिए तो एक ही पीस बचा था, तो मैंने जल्दी से बाय कर लिया है। मे बी अभी होगा नहीं होगा, आप लोग देख लेना। ये जो है उसका नेक दिया है, रेडीमेड नेक है, तो आपको कुछ करवाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ स्टिचिंग वगैरह ही करवाना पड़ेगा। और नीचे चलते हैं हम, तो ये नेक के बाद नीचे यहाँ स्टार्ट होती है ये वाली डिजाइन। ये जो है वो एम्ब्रॉयडरी थ्रेड वर्क है, येल्लो कलर का पूरा। अब देखो ये ब्लैक कलर का कॉटन का है, इसके ऊपर ऐसा वर्क किया गया है। नीचे देखोगे तो ऐसी बॉर्डर आएगी इस तरह की, आप देख लो क्लोजअप में ताकि आपको पता चल जाए पूरी डिजाइन कि आपको लेना है नहीं लेना है, किस टाइप का है। तो ये है पूरा टॉप ऊपर से नीचे तक का, उसके पीछे ऐसा है, पूरा प्लेन फैब्रिक आएगा। बैक साइड हमारी जो होगी वो पूरी ऐसी होगी। एक सेकेंड, ये साइड में दिया है गाइस, देखो ये साइड में यहां से दिया है, ये स्लीव के लिए। ओके, ये स्लीव के लिए दिया है, तो आप इस टाइप की स्लीव भी करवा सकते हो। ये स्लीव के लिए दिया है, दोनों हाथ के स्लीव का ऐसा है, पूरा डॉट डॉट वाला एम्ब्रॉयडरी है। हाँ एम्ब्रॉयडरी है, गोल्डन थ्रेड वर्क है इसके अंदर। तो ये दोनों हो गई, देखो ये एक और ये दो। तो ये पूरा टॉप है, स्लीव भी उसकी हैवी है। उसका जो सलवार है, पायजामा जो बोलते हैं, वो देखते हैं। तो ये है मस्टर्ड येल्लो कलर का, आपको दिखा दी। इसका फैब्रिक भी अच्छा है, वो वाले का सलवार कॉटन का था लेकिन ठीक था, इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे। उसका टॉप और दुपट्टा ज्यादा अच्छा था, इसका सलवार का फैब्रिक भी अच्छा है, आप देखो। और आई थिंक ये हाई रेटिंग है फ्लिपकार्ट पे, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। इसके अंदर ब्लैक कलर के थ्रेड मतलब कि एम्ब्रॉयडरी ऐसी डॉट डॉट वाली की है, देखो इसका फैब्रिक अच्छा है। ऊपर से ये ठंडा है, सिल्क जैसा शाइन भी करता है, लेकिन कॉटन रेयन टाइप का, आपको गर्मी नहीं लगेगी वो टाइप का है, पूरा ऑल ओवर ऐसा है। और इसका जो ये जो है ना वो बहुत बड़ा है, वो वाला था वो छोटा था, ये 2.5 मीटर तक का होगा, 2.25 मीटर तक का होगा। तो आराम से आपका जो नीचे का सलवार होगा वो अगर आप नॉर्मल पटियाला टाइप करवाओगे तो भी हो जाएगा गाइस। इसका फैब्रिक लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, सलवार की फैब्रिक भी अच्छा है, और टॉप का जो है वो कॉटन का है वो भी अच्छा है। तो उससे ज्यादा अच्छा है ये सेकंड वाला ड्रेस मटेरियल है वो। हम मटेरियल वगैरह देखते हैं तो, और डिजाइन वगैरह देखते हैं तो वो पीच वाला ज्यादा अच्छा है। इसका दुपट्टा देखोगे तो दुपट्टे में ऐसी ब्लैक कलर की लेस लगाई गई है, और दुपट्टा सिफोन का है। दुपट्टे का फैब्रिक अच्छा है, सिफोन का है, पूरा प्लेन है। सिर्फ ये जो है वो थोड़ी सी ऐसी लग रही है, इतनी अच्छी नहीं लग रही मुझे, मतलब अदरवाइज अच्छा है। ब्लैक बॉर्डर उन्होंने ऐसे ही लगाई है, और देखो इस तरह का है दुपट्टा। दुपट्टा इतना लंबा नहीं है, 2 मीटर तक हार्डली जाएगा ऐसा है, लेकिन फैब्रिक अच्छा है, पूरा प्लेन है और चारों तरफ ब्लैक कलर की बॉर्डर है। तो आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं। सलवार और उसका टॉप दोनों अच्छा है। उसके बाद एक मैंने बनारसी बाय किया है, मैंने सोचा कि हर टाइप के बाय कर लेती हूँ ताकि आपको हेल्प मिले, आपको जो वाला चाहिए जिसमें चाहिए आप इजीली ले सको, क्योंकि अभी फेस्टिवल वेडिंग सब आने ही वाले, फेस्टिवल ऑलरेडी सीजन ऑन ही है। तो इसके लिए इसमें बहुत सारे आई थिंक कलर थे, मैंने ये वाला चूज किया। मुझे ये वाला पिक में कम्पेयर टू अदर कलर्स ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये वाला चूज किया है। बेज कलर का है, और अंदर देखोगे तो ऐसी गोल्डन सेल्फ प्रिंट जो बोलते हैं, मतलब वो टाइप की, जैसे इन शॉर्ट की जो बनारसी फैब्रिक आता है वो वाला है। आप देखो शेरवानी वगैरह का कैसा होता है शादी में जब दूल्हा पहनता है, वो टाइप का लगता है। देखो ये पूरा टॉप का है, ऐसा ही ऑल ओवर, कहीं पे बॉर्डर नहीं है, कहीं पे स्लीव नेक के लिए अलग से नहीं दिया है, इस तरह का ही है। और इसका जो फैब्रिक है वो यही बनारसी सिल्क वाला ही, अंदर से इस तरह का लगता है आपको। इसके अंदर लाइनिंग ये उल्टी साइड है इसकी, ये सीधी साइड है, आपको इसके अंदर लाइनिंग लगवानी पड़ेगी नहीं तो गर्मी लगेगी।
बस वही। और ये इसका फैब्रिक ज़्यादा है, 2-2.5 मीटर तक है, तो इजीली हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी थोड़ी हैवी है तो भी हो जाएगा। उसके साथ जो आया है वो मतलब कि सलवार का जो है वो मरून सिल्क कलर का ही है, देखो शाइन भी कर रहा है, पूरा प्लेन है, मरून कलर का है। और ये भी 2 मीटर तक का है, आई थिंक लंबा भी है चौड़ा भी है, शॉर्ट नहीं पड़ेगा। ये देखो पूरा प्लेन ही है इस तरह का गाइस। पूरा प्लेन ही है ऐसा है, देखो तो हो जाएगा और अच्छा है। उसके साथ जो दुपट्टा है वो भी बनारसी सिल्क ही है, मरून कलर का, जिस कलर का सलवार था वही कलर का। तो देखोगे यहाँ पे तो ऐसी गोल्डन बॉर्डर लगाई गई है ये दुपट्टे में, और दूसरे देखोगे तो इस तरह का लगता है ऐसा है। ये ब्रॉड नहीं है, इतनी चौड़ाई नहीं है इसमें, लेकिन कलर प्रिंट अच्छी है। देखो दुपट्टा बहुत ही अच्छा है। इस टाइप के दुपट्टे आपको लोकल मार्केट में लेने जाओगे तो भी 300, 400, 500 और ऑनलाइन तो 800 और 1000 तक के मिलते हैं। तो इतने प्राइस में आपको पूरा ड्रेस मटेरियल का मतलब कि सेट मिल रहा है, पूरी पैर मिल रही है, तो अच्छी बात है। कलर कॉम्बिनेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है, मुझे पीच वाला ज़्यादा अच्छा लगा। पीच वाला का दुपट्टा और टॉप ज़्यादा अच्छा था और येलो वाला पूरा अच्छा था। तो आज की वीडियो में यही था, आपको कौन सा वाला ड्रेस मटेरियल सबसे ज़्यादा पसंद आया है और इस टाइप के आप हॉल्स देखना चाहते हो तो डेफिनेटली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। और हेल्पफुल लगा तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।